पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी गुरुवार 7 जुलाई को 41 साल के हो गए। इस खास मौके पर फैंस और खेल जगत के दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी। इसमें विराट कोहली भी शामिल रहे, जिन्होंने खास अंदाज में अपने कप्तान धोनी को जन्मदिन की बधाई दी है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व कप्तान कोहली ने अपने मैसेज में धोनी को बड़ा भाई बताते हुए उन्हें भारतीय क्रिकेट में योगदान देने के लिए धन्यवाद भी दिया। कोहली ने कहा कि दुनिया में धोनी के जैसा कोई दूसरा लीडर हो नहीं सकता। कोहली ने टीम इंडिया और IPL वाली दो फोटो शेयर की, जिसमें धोनी के साथ वो नजर रहे हैं। इसके साथ ही कोहली ने लिखा, आपके जैसा लीडर कोई नहीं है। आपने भारतीय क्रिकेट के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपको धन्यवाद। आप मेरे बड़े भाई की तरह हो, हमेशा प्यार और सम्मान के अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बता दें, कोहली के अलावा पूर्व प्लेयर मोहम्मद कैफ ने भी एक पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने लिखा, दादा ने हमें युवाओं को सिखाया कि कैसे जीता जाता है, जबकि धोनी ने इसे अपनी आदत ही बना ली। अलग अलग युग के दो महान कप्तान जिनका जन्म एक दिन के अंतराल में हुआ। भारतीय क्रिकेट को आकार देने वाले व्यक्तियों को जन्मदिन की बधाई। बता दें कि गांगुली का बर्थडे एक दिन बाद यानी कि 8 जुलाई को आता है। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। धोनी ने टीम इंडिया के लिए 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था। हालांकि माही अब भी IPL में खेल रहे हैं और वो अभी चेन्नई टीम के कप्तान भी है। धोनी ने आखिरी मैच IPL में ही इसी सीजन में खेला था। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मैच में धोनी ने 26 रन बनाए थे। ये मैच उनकी टीम हार गई थी। वो भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान भी रहे हैं। उन्होंने अपनी लीडरशिप में देश को 3 ICC टूर्नामेंट जिताए हैं। धोनी की कप्तानी में सबसे पहले 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और उसके बाद 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। वर्ल्ड में धोनी अकेले कप्तान हैं जिन्होंने ये तीनों टूर्नामेंट जीते हैं। खैर दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।